परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की परम पूज मुनि पुंगव एक श्री सुधा सागर जी महाराज की मुनि संग की सभी लोग मिलकर हाथ जोड़ेंगे और पूज श्री को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज। और आज जिज्ञासा समाधान का सीधा लाइव सेशन हम करेंगे। आप सबकी ढेर सारी जिज्ञासाएं हमारे बीच में हैं और आज जो पूरा विश्व हमें देख रहा है, हम आपको बता दें आज विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के बिल्कुल नजदीक ताजगंज के प्राचीनतम दिगंबर जैन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हम सब हैं। यहाँ पर अतिशयकारी प्रतिमा, मनोहर प्रतिमा यहाँ सभी को आकर्षित करती है और यह वह स्थान है जहां पर पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटिका की रचना की थी। ये वो स्थान है जहां पर भूधर दास जी, जहां पर ध्यानत राय जी, जिनकी आप पूजाएं और अनेक स्तुतियां आदि पढ़ते हैं, उन्होंने यहां पर अपनी रचनाएं की थी। आज उस ऐतिहासिक स्थान पर हम सब आए हुए हैं। आज की जिज्ञासाएं प्रारंभ करते हैं और सबसे पहली जिज्ञासा हम आगरा के अपने एक ऐसे व्यक्तित्व को से आवाज देंगे जिसने हमारे लोकोदय ट्रस्ट का सबसे पहले महामहिम ट्रस्टी बनकर आगे बढ़े हैं। मैं आवाज दूंगा श्री रूपेश जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। श्री रूपेश जी जैन, चलिए वो शायद संभवतः अभी नीचे कहीं चले गए हैं, मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। हमारे बीच में ललितपुर से श्री सुरेश चंद जी जैन बांसी से पधारे हुए हैं और साथ में विजय कुमार जी जैन अध्यक्ष हैं, सुरेश जी संयोजक हैं। और बड़ी सुंदर बात यह है, इनके यहाँ का पंच कल्याणक पिछले ही वर्ष बांसी का इन्हीं दिनों में हुआ था और 9 से संभवतः 15 तारीख तक, और आज ही के दिन 7 तारीख को ठीक एक वर्ष पहले पूज्य श्री का बांसी में भव्य प्रवेश हुआ था और ये आज यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके। जिज्ञासा। अपने पावन चरणों की रस से तीर्थ बनाने वाले, कोरोना काल में लाखों लोगों के साथ मुझे भी नया जीवन दान देने वाले एवं महायज्ञायक यज्ञायक आदि के माध्यम से हर मंदिर को रहीस एवं आत्मनिर्भर बनाने वाले तथा भारतवर्ष में सबसे अधिक पूजन एवं अभिषेक के लिए प्रेरित करने वाले गुरुदेव के चरणों में जीवन की अंतिम सांस तक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक आश्चर्य यह हुआ था कि बांसी में मात्र 8 घर की जैन समाज में आपने लाल पत्थर के मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया था और दूसरा आश्चर्य यह हुआ कि वो भव्य जिनालय बनकर के भव्याति भव्य बनकर के तैयार हो गया और 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपके चरण सानिध्य में, आपके सत्संग सानिध्य में हमें पंच कल्याण करने का सौभाग्य मिला। हे गुरुवर, तीसरा आश्चर्य यह है कि एक गांव के मंदिर जो आज जो है पूरे भारतवर्ष में एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है, जहां पर जहां से जो भी आता है और ललितपुर पास होने की वजह से पूरे भारतवर्ष के लोग आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं एवं उनकी भावनाएं पूरी हो रही हैं। तो गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा ये है कि यह ऐसा कौन सा आपका आशीर्वाद है कि जो सारी बातें फलीभूत हुई और आज हम जो है इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए जो है बना पाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भावना यदि
सच्ची है और समर्पण भी सच्चा है। भावनाएं अच्छी हो, समर्पण ना हो तो फलीभूत नहीं होता व्यक्ति। समर्पण है लेकिन भावना अच्छी नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं होता। समर्पण और भावना हो और उसके बाद जिसके प्रति समर्पण किया जा रहा है वह व्यक्ति आपके समर्पण का दुरुपयोग ना करे। समर्पण को समर्पण मान करके उसकी भावना को पूरी करने का आशीर्वाद दे तब ये सारे चमत्कार होते। कई लोग ऐसी भावनाएं करते हैं लेकिन समर्पण उनका देखा नहीं जाता। लेकिन कई लोग समर्पण तो कर देते हैं, हमारा पूरा समर्पण है, लेकिन भावनाएं जीरो होती। और ये दोनों होने के बाद जब सामने वाला कोई निर्देश देता है सो निर्दोष को फॉलो नहीं कर पाते। समर्थ होकर के भी, शक्तिमान होकर के भी, तब फिर व्यक्ति की किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती बल्कि उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और ये तीनों बीतें जहाँ मिल जाती हैं, भावना, समर्पण, और जिनके प्रति समर्पण हो उनके आदेश, उपदेश और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो जाए तो संसार का ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो प्रकट ना हो। दोनों तरफ के चमत्कार चाहिए। जिसको समर्पित किया जाए वो स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ उसका कोई आदेश उपदेश मिले तो उसके लिए करने के लिए ना दिन देखना, ना रात देखना, ना शक्ति देखना, ना कोई कमजोरी देखना, बस जो निर्देश मिले उसको करने के लिए आगे बढ़ जाना। अपने आप असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है, जैसे आपकी बांसी जो है आठ घर की समाज, समर्पण होकर भाव किया तो आज तुम सफल हो गए। यही बहुत बहुत शुभकामना और बधाई बांसी समाज को। आइए दूसरा प्रश्न भी आप ही से। जी, बांसी समाज के एवं पूरे भारत के दिन बदलने वाले महाराज श्री पुंगा श्री सुधाशाह जी महाराज के चरणों में दिगंबर जन भाई समाज एवं जो है मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवार। आज का दिन महाराज जी हम लोगों के लिए धन था 2022 में, आज का दिन आगरा वालों के लिए धन है 2023 में। और गुरु जी 2011 7 अप्रैल से जब से गुरु जी के चरण बांसी में पड़े तब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और गुरुजी ने बराबर 11 साल हम लोगों को निर्देशित किया और गुरुजी के निर्देशों पर चलकर हम लोगों ने एक छोटी समाज आठ घर की समाज है और भव्य जिनाला बनाया और गुरुजी के सानिध्य में इतना अत्याचारी एवं इतना भव्यति पंचनाग हुआ कि जिसको आज लोग देश के लोग कहते हैं कि बासी जैसा पंचनाग अभी तक कहीं नहीं हुआ। और गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम लोग उसी को पंचकला को एक साल पूरा होने को जा रहा है और हमारा गुरु जी से निवेदन है कि 15 तारीख को पंचकला की जो है एक साल पूरा होने जा रहा है और हम जो है उसकी वर्षगांठ मनाना चाहते हैं। तो गुरु जी हमें निर्देशित करें कि हम लोग कैसे हुआ है वर्षगांठ मनाए। नमस्ते गुरु जी। वर्षगांठ जितने उत्साह से बनाओ उसे समय से बनाओ, इसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई विधान करो, रथ यात्रा करो, आसपास की समाज को बुलाओ, जितने ऊपर आइटम बन सके उतना करना चाहिए। वार्षिक महोत्सव उस दिन रखें और विमान जी निकालें, रथ यात्रा निकालें, पूजन विधान करें, कुछ भी रूप से भगवान के कलशों का अभिषेक की स्थिति बनाएं। तो जिन माध्यम से हम कर सकते हैं करना चाहिए। आशीर्वाद।
चलिए पुनः पुनः बहुत बहुत बधाइयां बांसी की समाज, और जानकर आश्चर्य हुआ मात्र 8 घर और 8 घर ने विशाल योजना 11 वर्ष में पूरी करी। तो आगरा तो कितने घरों का है, 5,000-8,000 घर। इस हिसाब से अगर कोई विशाल योजना को 11 वर्ष में कर सकता है तो ठीक है, हम तीर्थ बनाने वाले हैं लोकोदय का, तो 5 साल में क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके तालियों के साथ आपका समर्पण भी चाहिएगा, जो पूज्य श्री ने आपको कहा। हर कमेटी को, हर व्यक्ति को एक ही बात कहते हैं पूज्य श्री, मैं दिशा दिखा सकता हूं, हर कुछ बता सकता हूं, लेकिन समर्पण आपको स्वयं करना होगा। ये आपकी बारी आगरा नगर की है, जिसमें आप और हम सब भी हैं। आइएगा, बुलाऊंगा आप श्रीमती सुलोचना जी जैन सागर, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान प्रफुल्ल कुमार जी जैन ललितपुर, तैयार रहिएगा। हे गुरुवर, आपके चरण में कोटि कोटि मेरे परिवार को नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आने जाने में और मतलब चौका लगाने में आवश्यक छूट जाते हैं, उसको मैं आगे पीछे कर लेती हूँ, क्या दोष लगता है इसमें? वो भी एक धर्म का कार्य है, इसलिए उसमें दोष नहीं लगते, क्योंकि गृहस्थ को कहीं ना कहीं परिवर्तित करना पड़ता है। यदि उस कार्य, वो भी एक आवश्यक कार्य है, इसलिए कोई ऐसा महान दोष नहीं आता। हे गुरुवर, आज मेरी, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। हे गुरुवर, आज मेरी सालगिरह है, मैं आपके चरणों में मनाने आई हूँ, मुझे आशीर्वाद दोगे? मैं आपके चरणों में हमेशा मनाती हूँ, आगे बढ़ के मेरी 2 प्रतिमाएं है, मैं आगे बढ़ के आदि का दीक्षा ले सकूं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रफुल्ल कुमार जी जैन ललितपुर, जो शिक्षा मंत्री हैं, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, श्री दिगंबर जैन पंचायती समिति ललितपुर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में। मेरा, मेरे परिवार और श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर का बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये आपके उस देहरी पे रखे आशीर्वाद का ही चमत्कार है, जिसने एक साधारण से शिक्षक को देश की प्रतिष्ठित सामाजिक पंचायत श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर का एक एक गौरवशाली पद जो शिक्षा मंत्री का है, जिसके लिए मुझे चुना है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये चाहूँगा कि समा गुरुदेव, जो भी समाज ने अपेक्षाएं की हैं उनको पूरा कर सकूँ, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, यदि अनुमति हो तो प्रसंग के साथ करें, एक प्रसंग के साथ जिज्ञासा से करें। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है, जो अभी बात चल रही थी, कि जो हमारा धर्म है वो कर्म प्रधान है या भाव प्रधान? पूरा हो गया? अगर सर जी, कर्म और भाव दोनों एक दूसरे के पूरक है, भाव बिना कर्म निरर्थक है, और कर्म बिना भाव गधे के सींग के समान है, आकाश के फूल के समान है। भाव और कर्म दोनों को पृथक मत करो। हमारे जैन आगम में भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इन तीनों को कहा। तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब काम होता है। भाव की अकेली प्रधानता करोगे तो भाव से जैसे पेट नहीं भरता ना, भाव से जैसे पेट नहीं भरता, ऐसे ही भाव धर्म करने से कोई पुण्यवंत नहीं होता। और बिना भाव के यदि भोजन करेगा तो वो भी सुपाच्य नहीं होगा। बिना भाव के कर्म करेगा तो कर्म तो हो जाएगा, लेकिन उसका सही लाभ नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बराबर का हिस्सा है दोनों का। भाव सहित कर्म करना ही धर्म का उपदेश है। और अगला नाम हम लेना चाहेंगे, कुमारी प्रियल जैन धनगांव बिजोलिया, आए और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। और एक अनुरोध, किसी ने शायद वीडियो कॉल यहाँ चालू कर रखा है, बंद कर दीजिएगा, नेटवर्क में हमारे को दिक्कत महसूस हो रही है।
नमोस्तु महाराज जी। जो भाव कर्म और इनको अलग करते हैं ना, भाव नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। भाव ना कर्म होता है, ना भाव पूजा होती है, ना भाव पाप होता है, ना भाव धर्म होता है। भाव से होता है, भाव धर्म नहीं होता, भाव से होता है। भाव पूजा सहज शास्त्रों में नहीं आई, भाव सहित पूजा जैन शास्त्रों में आई। भाव से मुनि बनाने के नहीं कहीं लिखा भाव से मुनि बनो, भाव सहित मुनि बनो। अकेले हम कपड़े मपड़े नहीं उतारे हैं और भाव से मुनि बन जाए, मैं भाव से मुनि हूं, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जैसा हुआ था, यहाँ जैसे हुआ था बनारसी दास का, कि वो भाव से मुनि बनने का प्रयास किया, द्रव्य से नहीं बने। तो द्रव्य की कोई भी क्रिया करो, वो भाव सहित करो, ये जैना गम कम। नमोस्तु भगवान। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्येक संसारी प्राणी के पास दो ही मार्ग होते हैं, या तो गृहस्थ या फिर वैराग्य पथ पर आगे बढ़ जाए। और प्रत्येक मनुष्य ये भी जानता है कि संसार सागर से पार होना है तो दूसरा यानी वैराग्य पथ का मार्ग अपनाना है। तो महाराज जी, सही रास्ता जानते हुए भी हम उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उसके कई कारण बन जाते हैं। एक तो सही रास्ता के लिए वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि शायद इस सही रास्ते को मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा। दूसरा कारण बनता है, वो इतनी परिस्थितियों से उलझ जाता है पीछे से कि उनको छोड़ भी नहीं सकता। बीच में छोड़ करके भागता है तो धर्म से भी जाएगा और कर्म से भी जाएगा। तीसरा कारण बनता है कि वो धर्म को सही मानता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, संसार ही सही है, परमार्थ सही नहीं। चौथा कारण बनता है, कभी कभी व्यक्ति धर्मात्मा तो बनता है लेकिन वो उसका अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता। तो धर्म की बात तो आ जाती है, फिर जैसे ही सामने कर्म दिखता है तो उसका मन कर्म पर ललच जाता है। जब वो संगति में आएगा, मंदिर में आएगा, महाराजों के पास आएगा तो लगेगा यही सच्चा मार्ग है, और जैसे ही जब दूसरे लोगों की बात में जाएगा संसारी, तो उसमें वहीं अटक जाएगा। तो ये तीन चार ऐसे कारण बन जाते हैं जिस कारण वो सत्य को जानता हुआ भी सत्य को नहीं पा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, यदि सत्य को जान रहा है तो एक दिन पा भी लेगा, क्योंकि वो जान गया है। अगला नाम पुकारना चाहेंगे श्रीमान संजय कुमार जी जैन, मंत्री श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायत यहाँ की ताजगंज। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, क्योंकि जिस उत्साह से आपकी कमेटी आपके मंत्री जी के साथ लगी हुई है, निश्चित तौर पर बहुत सुंदर है। और या आज आकर हमने भी देखा, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर जिनाले आपने सजाया है ताजमहल के बिल्कुल पास, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी कमेटी को। परम पूज निर्यापक मुनि पोंगा सुधा सागर जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा ये जिनाले जो है आज से लगभग संबत 1680 में आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जी ने इसकी स्थापना की थी, और इसमें जो है 9 फड़ी पारसनाथ की पहचान की प्रतिमा जो आज जो है हम उसका जो अभिषेक पूजन करते हैं उनकी स्थापना की थी। उनके साथ भूदा दास जी, देहानंद राय जी, ऐसे कवि अनेक चार पांच कवि रहे। उन्होंने यहाँ पे जो है शास्त्रों का लेखन किया, हस्तलिखित शास्त्रों का लेखन किया। अनेकों शास्त्र यहाँ पर हस्तलिखित जो उन शास्त्रियों के उन जो है आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जी ने लिखे हुए यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उन शास्त्रों का हम पूरे भारत में कैसे उनको लाभ दे सकें और उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकें, यही हमारी जो है जिज्ञासा है। रास्ता कोई भी चीज जब इतिहास का रूप धारण कर लेती है तो उसको ऐतिहासिक संरक्षण देना पड़ता है। चूंकि बनारसी दास के सभी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके, इसलिए ये सभी के बीच में पहुंच चुके, मंदिरों मंदिरों में, लाइब्रेरियों में, सभी जगह।
अब रही बात उनकी पांडुलिपि की, हस्तलिखित प्रतियों की, उनकी तो आप यहाँ सुरक्षित करके और उसकी दूसरी पांडुलिपियाँ करा करके और उसके नीचे अपनी यहाँ की प्रशस्ति लिख करके अनेक मंदिरों में स्थापित कर सकते हैं। पांडु मूल पार्थिक की प्रति नहीं है, उसकी पांडुलिपि यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में जहाँ हस्तलिखित प्रतियों की सुरक्षा है, वहाँ उन पांडुलिपियों की प्रतिलिपि भेज सकते हो, जिससे कि उनको ये मालूम चले कि कहाँ से प्रकाश कहाँ लिखी गई है और पूरा परिचय उसका मिले और वो पांडुलिपियाँ उन स्थानों पर पहुँचना चाहिए। क्योंकि अपन छुपा के रखे रहेंगे तो पांडुलिपि आज नहीं कल जीड़ सीड़ तो होनी है, 100 साल 500 साल 1000 साल चला लो, अंत में उसका क्षरण तो होता ही, लेकिन उसके पहले ही हम उसको इतना प्रचार कर दें भारत में कि वो हर मंदिर में उपलब्ध होने लग जाए पांडुलिपि, और उन स्थानों पर खास तौर पर जहाँ बड़े बड़े शोधकार हैं, स्थान हैं ऐसे, जैसे महावीर जी है, जयपुर के अंदर अपभ्रंश अकादमी है, बहुत सारे स्थानों पर सांगानेर में है, बहुत सारे स्थानों पर पांडुलिपियों के संग्रह किए गए हैं, उनको पांडुलिपि का आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, पहले तो लिपि लिखाई जाती थी, आजकल तो फोटो स्टेट, बहुत अच्छी अच्छी फोटो स्टेट हो सकती हैं, तो उनकी फोटो स्टेट करा करके और प्रचार प्रसार किया जा सकता है विद्वानों के पास, लाइब्रेरियों के पास, यही इसका तरीका। क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ के लिए सुरक्षा करना है, पढ़ने के लिए तो प्रकाशन हो गया, अब इस पांडुलिपि का प्रचार करना है, पांडुलिपि में क्या लिखा है उसका प्रचार नहीं करना, वो तो छापे में आ गए, लेकिन पांडुलिपि यहाँ लिखी गई है इसके लिए सब में प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि आगरा का ताजगंज मंदिर भारत का हर विद्वान जानता है बनारसी दास के कारण से, बनारसी दास एक ऐसे विद्वान 16वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने दिगंबरत्व को, जन्मजात वो दिगंबर नहीं थे, फिर भी दिगंबरत्व को उन्होंने इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि सारे भारत का विद्वान वर्ग पंडित बनारसी दास को अपना गुरु मानता था। दिगंबर जैन मंदिर, हालांकि ओरिजिनल श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबर धर्म अपनाने से इतना उन्होंने दिगंबर का प्रचार किया कि जब उत्तर भारत की कोई मीटिंग होती थी तो सारे विद्वान बनारसी दास जी के पास आकर के मीटिंग करते थे। जब 1664 में राजस्थान में विसंवाद हुआ नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और अमरचंद जी भौसा के बीच में, और उस समय ऐसा विसंवाद हुआ कि जो विसंवाद पूरे भारतवर्ष में बहुत कठिन परिस्थिति का रूप धारण कर लिया, इतनी कठिन परिस्थिति बन गई विसंवाद की कि राजा महाराजा भी थक गए। तब सारे उत्तर भारत ने इसी ताजगंज के अंदर पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में उसका निपटारा करके, और उस समय नरेंद्र कीर्ति ने बीसवंध की और भट्टारक बनारसी दास के समय पर 13 पंथ की स्थापना इसी मंदिर से हुई थी। 1664 को कुंदकुंद की मूल आमना के 13 सूत्र बना करके, और आज इसी बनारस से सारे भारत में कुंदकुंद की परंपरा को सुरक्षित करने का बीड़ा इसी मंदिर से उठाया गया। उस समय आगरा का ताजगंज एक अच्छे रूप में माना जाता था, क्योंकि राजमहल भी पास में ही है। हाँ, वही तो, महल भी पास में है, राजा के संरक्षण में था, तो बहुत बड़ा इसका इतिहास है ऐसा माना जाता है। और भी हम बता दें अपने दर्शकों को, जिस स्थान पर आज हम आए हुए हैं, ताजगंज का जैन मंदिर, उसके बारे में यहाँ पर एक और सुंदर चित्रण बताते हैं। यहाँ पर बाहर शाहजहां स्वयं आया करते थे, और एक चौसड़ का गेम अभी है, चौसड़ का गेम जो यहाँ रखा हुआ है, खेल जो होता है, वो पंडित बनारसी दास जी उनके मित्रों में से एक थे, और
यहाँ पर खेला करते थे वो स्थान भी आज है और वो उसको सुरक्षित रखा है इस कमेटी ने अभी भी। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। बनारसी दास जी एक रसिक पंडित थे, रसीले रसिक, श्रृंगार रस के बहुत प्रेमी, और इतने श्रृंगार रस के प्रेमी थे कि चौसर तो क्या, उन्होंने श्रृंगार रस में जो कविताएं लिखी थी अति श्रृंगार, आज की फिल्मी दुनिया भी नहीं लिख सकती, इतने श्रृंगार के शौकीन थे। समय सार जब उनको हाथ में लगा, उस समय सार को पढ़ने के बाद उनको ऐसा राग वितरागता में बदला, बहुत शौकीन थे, जैसे तुम लोग कहते हो हीरो आदमी लैला मजनू जैसी स्थिति, रसिक थे, जबरदस्त रसिक थे। समय सार पढ़ने के बाद उन्होंने अपने श्रृंगार रस की कई वर्षों की लिखी हुई कविताएं नाव में बैठ करके इसी जमुना नदी में सराई थी, और पूरी जिंदगी बड़े बड़े विद्वानों ने, राजा ने कहा कि आपकी इतनी अमूल्य चीजें हैं इनको नष्ट मत करो, बोले नहीं, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, इसको कोई पढ़े तो बर्बाद होगा, अब मैं उसके बाद जा करके जो बदले। फिर उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया और फिर दिगंबर धर्म पर कार्य किया, तो एक रसिक पंडित के रूप में भी माने जाते हैं। पूरा विश्व जान ले आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, कभी राग के लिए जो कहा जाता था वहां से वीतरागता प्रारंभ की, वो यह स्थान है। तो जो भी आगरा आए, ताजमहल जाए या ना जाए, लेकिन ताजमहल के बिल्कुल 300 मीटर दूर, 200 मीटर दूर ताजगंज का जैन मंदिर अवश्य पूछ ले, आनंद आएगा, सुंदर भक्ति। यहां पर मैं अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाह रहा हूं श्रीमती ममता जी जैन बाकलीवाल को, कृपया आए और अपनी प्रस्तुति करें। है क्या पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से त्रिवा नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम जो प्रतिक्रमण में, व्रत में, उपवास में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जो शब्द जो आते हैं इनका अर्थ मतलब नहीं मालूम, इसके बारे में बताएं। एक चार विक्था और तीन सल्ले। अतिक्रम व्यतिक्रम जैसे अपने व्रत आदि नियम होते हैं इनका हमने अतिक्रमण किया हो, अतिक्रमण यानी जो नहीं करना था वो मैंने किया हो, व्यतिक्रम जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर लिया, तो ऐसी प्रकार के अतिचार, अतिचार का जैसे करना था वैसे नहीं किया, अनाचार किया ही नहीं, चार चीजें आ गई ना, जो नहीं करना था वो कर लिया, जो करना था वो नहीं किया। अतिचार किसे कहते हैं, जैसा करना था वैसा नहीं किया, जिस विधि से करना था उस विधि से नहीं किया, अतिचार हो गया, और किया ही नहीं, छोड़ दिया, तो ये अनाचार कहलाते हैं ऐसा। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आप जब आ रहे थे तो आप जब पहले दिन से जब आगरे में आए हैं उसी दिन से हमारा इतना प्रेम आपके प्रति उमड़ रहा है कि कुछ मत पूछो, चमत्कार पर चमत्कार हमारे साथ हुए जा रहे हैं। और दूसरा, जैसे ही आपने ताजगंज की तरफ कदम रखा तो मेरा हृदय इतनी बुरी तरीके से मतलब रोने लग गया अंदर ही अंदर खुशी से, कि ऐसा लगा कि जाना पता नहीं जाना पिछले जन्म से आपसे कोई मेरा संबंध है, कि आप मेरे पूर्वज रहे हैं, क्या आप मेरा कुछ हो रहे हैं, ऐसा मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, क्या कारण है इसका? देखो पता नहीं कितने लोगों का मेरे से संबंध है, लेकिन ये पक्का है मेरा किसी से संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है, सुनो सुनो मैं कारण बताता हूं। एक तरफ का संबंध जब होता है और दूसरे तरफ से नहीं होता, यदि दोनों तरफ से संबंध होता तो आप लोग हमें याद करते तो हमारी गद्दी खुजलाना चाहिए। लोगों ने कहा, बोले महाराज जी मैंने आपको खूब याद किया, आपको मेरी याद आई, मैंने कहा भाई तूने याद किया लेकिन मेरी गद्दी तो खुजला ही नहीं, क्योंकि कोई याद करता है तो ऐसा कहते ना गद्दी। तो इसका अर्थ है
कि तुम लोगों के तो संबंध होते ही होना ही चाहो कि ये संबंध एक बार बन जाए तो मोक्ष जाने तक टूटे ही नहीं। मोक्ष जाने पाया न मोक्ष पद जो लो। लेकिन देवसार्थ गुरु तुम लोगों से संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारी चाल बहुत धीमी है, हमारी चाल बहुत तेज है, हम लोगों की गति बहुत तेज है, इसलिए ऐसा होता है। एक प्रश्न और महाराज जी। बस चलिए, फिर अगर मौका मिला दोबारा उठा लेंगे हम आपको। हाँ पारुल जी, जो आप कह रही थी वो सबके मन की बात आप कह रही थी, ये महिलाएं भी मुस्कुरा के कह रही थी, और ये आपकी अकेले ताजगंज की नहीं पूरे आगरा की है, आगरा को तो छप्पड़ फाड़ कर मिला है। कल तक तो अपन कह रहे थे आ रहे आ गए, लेकिन अब सावधान आगरा वालों, कहना पड़ सकता है जा रहे हैं, देखो चले जाएंगे, पकड़ लो इन्हें, रोक लो कोई इन्हें, इसलिए जो भी पर सेकंड्स आप लाभ ले सकते हो ले लो, क्योंकि ये तो ऐसे निर्मोही महाराज हैं, मैं 30 साल से जानता हूं, आज देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं, कल हो सकता है पहचाने भी नहीं, पहचानेंगे जो इन्हें जानता है पहचानते हैं, लेकिन महाराज जी अपने अंदर में इतने होते हैं और हम भी समझते हैं, देख लिया होगा कल शाम को याद आएगी कि मनोज भी आया था, तो हम नमोस्तु करते हैं, कभी भी हम ध्यान नहीं देते कि महाराज ने हमें देखा या नहीं देखा, क्योंकि हमें मालूम है महाराज ने हमें देख लिया है, लेकिन अभी उनका चिंतन हर मिनट चिंतन चलता है, कभी देखिएगा भाव भंगिमा सदैव चिंतन में रहते हैं, ऐसे मुनिवर के दर्शन करके हमें सौभाग्य है, बहुत बहुत सौभाग्य है। और अगले प्रश्न करने के लिए हम आवाज देना चाहेंगे अभिषेक जैन ललितपुर सदस्य, बड़े युवा सदस्य हैं, श्री दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर, बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी, आइए बड़े उत्साह के साथ आप आए हुए हैं। जी हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ललितपुर वासियों को आराध्य गुरुवर आपके श्री चरणों में संपूर्ण धन बस्ती की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव हमारी धन बस्ती में आपके मंगल आशीष से मार्गदर्शन से एक अति भव्यतम जनालय का निर्माण प्रस्तावित है। गुरुदेव जिज्ञासा है, पुराने समय में राजाओं ने सेठों ने अपनी धन संपदा के बड़े बड़े जनालयों को करवा दिए, अब हम अकेले किसी जनालय को तैयार नहीं करा सकते, पर जनालय सबके सहयोग से तैयार होना है, उसमें कोई तन से कोई मन से कोई धन से जो भी सहयोग दे सकता है उसे किस फल या पुण्य की प्राप्ति होगी, वह जनालय के निर्माण के सर्व समाज हम सब व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार सहयोग दें, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहयोग की जहां तक बात होती है, पहली बात तो जो कुछ जनालय होते हैं अपनी कुवत से बनाना चाहिए, और सहयोग की जहां तक बात होती है, जहां व्यक्ति का कोई संबंध होता है, जुड़ाव होता है, वहां वह सहयोग देने में उत्साहित होता है, तो आप अपने सहयोगियों को भी तैयार कीजिए, क्योंकि लोगों का जहां संबंध जुड़ाव होता है वहाँ उनके दान देने के भाव होते हैं। हमसे जहाँ तक कहो तो मैं कहीं के संबंध में नहीं बोलता, मैं तो जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि कल महाराज पहचाने भी नहीं, हम तो जहाँ जाते हैं बस उसी को पहचानते हैं, बिल्कुल, आगे जानते हैं ना पीछे जानते हैं, बिल्कुल पीछे क्या था, पूरा चतुर्मास हो गया, ललितपुर उसी दिन याद आता है जिस दिन दाऊ आ जाते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं, आगरा ही आगरा छा रहा है, क्योंकि हमें हर स्थान पर वह निधि मिलती है, हम क्यों पीछे को याद करें कि आगरा में कम है, क्यों हम भविष्य का इंतजार करें कि वर्तमान में कम है। तो जब व्यक्ति की इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाए कि वो जहाँ बैठ जाए वहाँ अतीत भूल जाए
और भविष्य की याद कल्पना ना आवे, इसी का नाम आनंद है। अतीत याद ना आवे और भविष्य की कोई अपेक्षा ना हो, वर्तमान में इतना आनंद में डूब गया, इसी का नाम परमानंद है। तो चिंतन की बात कह रहे थे, आज 40 साल से प्रवचन दे रहा हूं, पूज्य गुरुदेव के चरणों के बाद से लगभग 93 के बाद तो रेगुलर ही चल रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि प्रवचन नहीं हो पाए, कुछ एक आध परसेंट मान लीजिए। तो 1993 से अभी तक कितने साल हो गए? 30 साल लगभग। कितने प्रवचन हो गए? 365। 365 में 350 तो माने ही लो। कितने प्रवचन हो गए? 30-40 साल। लेकिन हर दिन मैं प्रवचन देता हूँ, मुझे खुद नई नई बात मिल जाती है, है ना। 30 साल में हजारों हजारों प्रवचन हो गए, जब तक तुम हिसाब लगा लो कितने हो गए। 10,000 से ऊपर महाराज जी। 10,000 प्रश्नों के बाद भी ऐसा लगता है कि नया प्रवचन, 4-5 महीने से तो मनोज तो कम से कम सुन ही रहे। अब कमला नगर में जो प्रवचन आए वो 4 महीने में नहीं आए। बिल्कुल। कर्म और धर्म की जो व्याख्या वहां हुई 10,000 प्रश्नों में नहीं आई। तो चिंतन को 24 घंटे तुम शब्द कह रहे हो, हमें कुछ चिंतन को चाहिए नहीं है। जो शब्द मेरे कान में आया हमारा चिंतन चालू है, आंखें खुली आंखों से जो देखा चिंतन चालू है, शरीर में कोई स्पर्श हुआ ठंडे गर्म का चिंतन चालू है, शरीर में मच्छर ने काटा लोसा उसी का चिंतन चालू है, मच्छर काट रहा है प्रवचन तैयार हो रहा है। और तुम कह रहे हो मच्छर काट रहा है, तुम खुजलाने में लग जाओ हम चिंतन में लग जाते हैं, एक मच्छर काटता है एक प्रवचन तैयार होता है। वो काटता रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ी देर और बैठ, मेरा आधा प्रवचन हुआ तैयार अभी। तो चिंतन को हमारे साधु ने शास्त्रों में कहा कि साधु निरंतर चिंतनवान हो, उसे शास्त्र की जरूरत नहीं, जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए वही उसका प्रवचन बन जाए। अब ऐसे चिंतन में जिंदगी में तुम जितने भी निकल जाओगे, हर दिन कोई ना कोई एक बात नई निकलेगी जो अतीत में कभी नहीं होती। इसलिए बाबू मैं तो ताजगंज की बात कहो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बाकी के लिए आप प्रयास करें भावना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रियांशी जैन ताजगंज, माइक ले लीजिए। महाराज जी के सामने मेरा त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग मालिन जी से जो नारियल का तेल खरीदते हैं मंदिर का, क्या हमें सामग्री, हम लोग ये नारियल ही जो मंदिर की ही सामग्री है हम उसी का तेल बनाकर यूज करते हैं, क्या हमें उससे सामग्री यूज करने का मतलब वो लगता है पाप लगता है क्या दोष लगता मंदिर है की, हमें? मंदिर की सामग्री को अपन को मालूम होते हुए नहीं लेना चाहिए कि ये मंदिर से ही तेल बना हुआ है, जानकारी है तो नहीं लेना, अनजाने में तो सब चलते ही रहता है। हम सीधे माली से श्रीफल नहीं ले सकते, चाहे भले ही सस्ता मिल रहा हो, हम चला कर नहीं लेंगे। यदि हमें मालूम है कि चढ़ा हुआ द्रव्य है माली है, हम उसको नहीं लेंगे। अनजाने में तो वस्तु घूम करके तो आती है, वो बात अलग। महाराज जी एक और प्रश्न है, हम लोग ये जो अभिषेक करते समय ये जो धागे पहनकर या फिर माला पहनकर अभिषेक और शांति धारा और अंगूठी घड़ी मतलब सोने की अंगूठी सोने की घड़ी माला पहन के अभिषेक और शांति धारा करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो अशुद्धि होते हैं ना। अब हम 16 के दृष्टि से देखा जाए तो वस्त्र को ही अशुद्ध माना गया, धातुओं को अशुद्ध की दृष्टि नहीं मानी गई, क्योंकि वो नहा लेते हैं नहा के धो लेते हैं। तो यदि इन चीज़ों में अशुद्धि मानी जाएगी तो मंदिर में हर चीज़ छूने पर, आपने ये छू लिया बेदी छू ली अलवारी छू ली माइक छू लिया, तो फिर अशुद्धि का कोई रूप नहीं।
मात कपास से बनी हुई वस्तु को ही शोला के अंतर्गत लिया जाता है जो कपड़े की बनी हुई है। कपड़े के अलावा अन्य चीज़ों की वस्तुओं में शोला शुद्धि और अशुद्धि का विकल्प नहीं किया जाता है। महाराज जी के चरणों में त्रिपा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं रोज शाम को मंदिर में भक्तामृत स्त्रोत पढ़ती हूँ। जब बहुत टाइम होता है तो आराम से धीरे धीरे पढ़ती हूँ, पर जब कहीं जाना हो तो भक्तामृत स्त्रोत जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ती हूँ। तो महाराज जी, जैसे जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो गलत बोल ही जाते हैं, तो उसमें दोष लगता है महाराज जी हमें? देखो, अब मजबूरी का नाम महात्मा है। ना पढ़ने की अपेक्षा पढ़ना ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर तो आएगा ही, क्योंकि उसमें धीरे पढ़ रहे हो तो उपयोग है, जल्दी पढ़ रहे हो तो पाठ को निपटाना है। पर ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिएगा, जिससे पहले मैं दूसरा नाम यहां पर लूं, मैं एक बार जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप सभी को विदित है, इस समय आगरा नगर लोकोदय तीर्थ बनाने में जुटा हुआ है। प्रत्येक दानवीर अपनी क्षमता से अधिक दान देने का प्रयास कर रहा है, और उसी श्रृंखला में आज प्रातः काल में जब हम कर्मयोगी जिनाले में पूज्य श्री के साथ गए थे, तब वहां के श्री अंकित जैन तेल वाले ने 100 कलश की राशि दान देने के संकल्प के साथ ट्रस्टीशिप लेने का सौभाग्य लिया है। इसी के साथ कल संध्या काल में जिज्ञासा के बाद ब्रह्मचारिणी गीता दीदी ने जब आह्वान किया हमारे कमला नगर को, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 21 महिलाओं ने खड़े होकर जिनबिंब सहस्रकूट जिनाले में स्थापित करने का संकल्प लिया। राशि है 5,55,555 रुपए। मैं नाम बहुत तेजी से लेना चाहूंगा, श्रीमती नीलम जैन, रुपेश जैन, श्रीमती रश्मि गोयल, श्रीमती प्रमला जैन, पवन जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, सविता जैन, दिनेश जैन, श्रीमती शशि जैन, अजीत जैन, श्रीमती कमला जैन, दीपचंद जैन, श्रीमती ज्ञान देवी जैन श्रीमती ज्ञान देवी राधिका जैन, संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुकुंद जैन, श्रीमती अमिता जैन, शास्त्री परिवार, श्रीमती नीरू जैन, श्री बंटी भाई, श्रीमती रेखा जैन, मनोज बूरे वाले, श्रीमान अशोक रईस करहल आगरा, श्रीमान अनिल रईस करहल आगरा, इसके अलावा कुछ नाम हम पहले ही बोल चुके हैं। इस प्रकार 21 नाम हमारे पास नए आए, जरा तालियों के साथ अनुमोदना कर दीजिएगा। इसी के साथ होगी ही, तो कई लोग कह रहे हैं हम दान देना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ 1-2 लाख की तो बात ही नहीं हो रही है। लोग बड़े बड़े 11 कलश की राशि, 25 कलश की, 50 कलश की, 100 कलश की राशि दान दी जा रही है। तो कल प्रियकारिणी महिला मंडल ने एक सुंदर योजना बनाई कि हम महिलाएं जहां जो दान नहीं दे पाए, जिनके घर से, हम सब इकट्ठा करके हम 11 कलश की राशि मिलकर हम देंगे, लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल में ये छूट दी गई है। हर साल 1-1, 2-2 लाख रुपए हम जमा कराते जाएंगे और इस तरह से होते जाएंगे। उसी श्रृंखला में आज प्रातः हम जब कर्मयोगी गए, तो वहां पर अग्र माधवी महिला मंडल ने भी हमें ऐसा ही घोषणा दी है कि वो महिला मंडल भी मिलकर 11 कलश की राशि इस तीर्थ क्षेत्र को भूदान के रूप में दान दे रहा है। और हमें ताजगंज से भी अपेक्षा है कि आप अपना मन बनाइए, पूरा भारत मन बना रहा है। मैं ताजगंज में आज आया हूं, इसलिए ताजगंज की बात कर रहा हूं, और भारत सहयोग दे ही रहा है। भारत से रोज अनेक नाम आ रहे हैं जो भूदान में आ रहे हैं। 1 बीघा जमीन देने के लिए 100 कलश की राशि का संकल्प करना होगा, जो 5 से 10 वर्षों में दे होगा। 1/2 बीघा के लिए 50, 1/4 बीघा के लिए 25, और 1/10 बीघा के लिए 11 कलश की राशि दे होगी। किश्तें आपको इसी तरह से 5 साल में 10 साल तक में छूट मिल सकेगी। और आप लोग आगे बढ़िए, ये आपका तीर्थ है,
एक बहुत बड़ा तीर्थ है। ऐसा ना हो कि कभी आप सोचें कि एक तीर्थ का निर्माण हमारे सामने हुआ और हम उसमें कोई योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि तीर्थ बनाने के लिए आगरा में 500 वर्ष से कुछ नहीं बना, मंदिर बने हैं। 500 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 500 वर्ष का ही संभवतः इतिहास है इस नगर का। फिर कब मौका मिलेगा मालूम नहीं, तो अपने परिवार का इतिहास बनाइए और ताकत लगाइए कि हम भी लोकोदय, जो पूरे भारत में सबसे बड़ा लोक में उदय लाने वाला तीर्थ होगा, उसमें योगदान दे सकें। और चलिएगा, अब मैं आवाज दूंगा श्रीमती आशु जी जैन ताजगंज अपनी जिज्ञासा को लेकर आए। आशु जैन जी, मेरे आराध गुरु के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती अपनी संपदा व पद त्यागते नहीं है तो उनको नरकों का पात्र बनना पड़ता है, तो देवलोक के पास तो बहुत संपदा होती है, बहुत मतलब धन दौलत संपदा होती है, तो वो त्यागते नहीं है तो वो नरकों के पात्र क्यों नहीं बनते, कृपया समाधान करें। कौन? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के पास बहुत संपदा होती है लेकिन वो अपना पद त्यागते नहीं है तो उनको नरकों का पात्र बनना पड़ता है, तो देवलोक के पास तो बहुत संपदा होती है, देवों के पास, हाँ, तो वो त्यागते नहीं है तो उनको नरकों का पात्र क्यों नहीं बनते? क्योंकि देवों के पास जो संस्था होती है वो सरकारी होती है, जैसे कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास जैसे बंगला होता है ना, वो बंगला उसके पास उसका नहीं है, वो तो सरकार ने बनाया है, वो मात्र रह रहा है। इसी प्रकार देवताओं के पास विमान उनका बनाया हुआ नहीं है, वो अनादिकाल से बना सरकारी है, वो तो मात्र जितनी देर को जीना है उतनी देर के लिए उन किराए पर मिला है, वो मरते ही उनका दूसरा देव आ जाएगा। तो देवों की जो सबसे बड़ी चीज है कि उनको मूर्छा नहीं होती छूटने की और मिटने की, क्योंकि वो सरकारी है, सरकारी बंगला कलेक्टर रह रहा है, और यदि टूट फूट जाए तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनके प्रति उनकी ममत्व बुद्धि कम होती है, और जो भी संपदा उनको मिलती है सब वो कमाते तो है नहीं, पुण्य के उदय से उनको अक्षय निधियाँ मिलती हैं। जैसे कलेक्टर, नेता, राष्ट्रपति आदि सरकारी संपदा का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ऐसे देवता अनादि अनंत वहाँ रखी हुई संस्था है, ना उनकी कमाई है, ना जैसे आपने देखा होगा कि बिगड़े बेटे जो होते हैं बाप की कमाई पर ऐश करते हैं, क्योंकि स्वयं ने तो कमाया नहीं है, तो देवताओं की दशा ये होती है। दूसरी बात है, उन देवताओं के अंदर स्वाभाविक रूप से इतने मंद परिणाम होते हैं कि वो दूसरे की वस्तुओं पर कभी नियत खराब नहीं करते, दूसरों का शोषण नहीं करते, चोरी डकैती नहीं करते। इस कारण से चक्रवर्ती का जाने का मूल कारण रहता है। और दूसरी बात, देवता छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकते, मान लो वो चाहें कि मैं छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन चक्रवर्ती छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ता, इसलिए इसकी मोह ज्यादा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ली वो छोड़ ही नहीं सकता, कितने प्रयास करे तो उसका राग कम है, और एक व्यक्ति छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा, तो देवता छोड़ नहीं सकते इसलिए वो छोड़ नहीं पाते। स्वधर्मंदादि छोड़ने का भाव करते हैं लेकिन वे लाख उपाय करें छोड़ ही नहीं सकते। जैसे अपन लोग शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे तो दोष आएगा, ऐसे ही देवता पूरे वैभव को छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। वे चाहें कि हम आज अष्टमी है आज हम भोजन नहीं करेंगे तो नहीं छोड़ सकते, वो चाहें कि मैं कहीं जाकर दिगंबर दीक्षा लेकर के बैठ जाऊं, वो वस्त्रों को नहीं उतार सकते, उतार मूल शरीर उनके वर्तमान से बाहर जा ही नहीं सकता। जब कर्मों ने ही पाबंदी बना दी है तो देवताओं का कोई दोष नहीं है। मनुष्य के लिए चक्रवर्ती छोड़ सकता है, जब चाहे जब त्याग कर सकता है, और वो नहीं त्याग कर रहा है इसलिए इसका मोह ज्यादा है, इसलिए ये नरक जाता है। जरा तालियां बजा दीजिएगा इसके लिए। आशु जी, आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हमें रोचक उत्तर हमें मिला, बहुत ही बढ़िया, चलिएगा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा
संजय कुमार जी जैन एडवोकेट, जो हमारे इस मंदिर जी के अध्यक्ष भी हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत इस मंदिर की सेवा की, हमें याद है जब आया करते थे तो उन्हीं से मिला करते थे, और उसके बाद अब संजय जी से अब मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जरा एक बार तालियों के साथ स्वागत और अनुरोध। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में समस्त ताजन जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि यहाँ पर पहले करीब 80 परिवार रहते थे ताजगंज में, लेकिन ताजमहल के 500 मीटर की परिधि के अंदर निर्माण या कोई नवीन निर्माण नहीं कर सकते, और रिपेयर करने में भी बहुत परेशानी आती है, जिसकी वजह से यहाँ से परिवार हौले हौले करके बाहर निकलते जा रहे हैं और अब करीब 30-35 परिवार रह गए हैं। तो कुछ यहाँ की राजनेता जो है उनसे आपका लोकल स्तर पर कुछ ऐसा हो कि उनको कुछ समाधान मिल जाए जिससे वो यहाँ डटे रहे। अब हम मंदिर के लिए, महाराज जी ये हॉली बनवाया था उसके लिए सजा काट के आया हूं एक दिन की। जब कोई भी चीज की समस्या जब कानून बन जाती है तो फिर उसे कोई छेड़छाड़ नेता नहीं कर सकता। हमारी पहुंच भली प्रधानमंत्री तक हो या प्रधानमंत्री की ताजगंज के मंदिर तक हो, लेकिन जब कानून बन जाता है तो कानून के लिए कौन क्या कर सकता है। ये कानून बन चुका है कि औरकला जी वालों की तरफ से इतने सीमा के अंदर कोई कार्य नहीं कर सकते हो। बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े स्थान इस प्रकार के लेकर के टूट जाते हैं, नहीं बना पाते। तो ये इसमें कोई नेता की नहीं चलेगी क्योंकि ये कानून बनाया गया और सन 1965 में ये कानून बना, और 1965 के अंदर जो पुरातत्व विभाग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को सभी लोगों ने कानून मान लिया, और इसके ऊपर सख्त आदेश दिया गया कि यदि इसका जो पालन नहीं करा जाए उसे कोई भी जमानत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधी सजा है। और ऐसे जो मूवमेंट होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, दो प्रकार का आरोपला जी है, एक तो पुरातत्व है लेकिन उसका कोई ज्यादा महत्व, और एक ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय है। ताजमहल तो एक अंतर्राष्ट्रीय चीज है, इसके संबंध में तो सख्त नियम है, बस अब एक ही तरीका है जो आपने अपनाया वो अपना करके बनाओ, सजा भोगो, फिर बनाओ, फिर सजा भोगो, बनाते जाओ। एक व्यक्ति के कितने दिन की कोर्ट उठने से बैठने से तक खत्म होने तक, कोर्ट बैठने से उठने तक की एक दिन की मतलब कोई बात। अपन तो अभी तुम गए, दूसरा तैयार करो, एक हाल और तैयार करो, फिर चल चले जाने क्योंकि इसमें एक निश्चित है, फॉरेस्ट में और आर्कलाजी में सजा बहुत सख्त है, कोई माफीनामा नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित है फांसी नहीं है। बस एक ही बात है इसमें, आर्कलाजी वालों फॉरेस्ट वालों में वो आकर ही कहेंगे हिदायत, देखो अब किया आगे मत करना, जी साहब तुरंत बोल देना जी, फिर तुम चार पांच साल के बाद फिर कर लेना, फिर दूसरा देखो साहब अब किया अब मत करना, बोले जी साहब नहीं करूंगा, साहब मैं क्या करूं, मैंने तो किया ही नहीं, दूसरे ने कर लिया, अब कमेटी तो बदलती रहती है। अच्छा कमेटी बदलती, तुम अब करोगे अब आगे नहीं करोगे, जी साहब। ऐसा करते करते सारे देश में काम हो रहे हैं, फॉरेस्ट में भी हो रहे हैं और आर्कियोलॉजी वालों में भी हो रहे हैं। साथ साथ उदाहरण है गिरनार, आप गिरनार देखिए, गिरनार की 5 मीटर आर्कियोलॉजी में आती है, पुरातत्व में आती है, और गिरनार के अंदर झोपड़ी बना ली, मूर्ति बैठा दी, गुम्बद बना ली, आर्कियोलॉजी का आरसीसी का काम नहीं हो सकता आर्कियोलॉजी मूवमेंट के ऊपर, उन्होंने आरसीसी की छतरी बना ली दादागिरी से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो राठौड़ी में ही करना पड़ेगी, मेरा नेटवर्क काम नहीं करेगा, आई एम सॉरी प्लीज।